कैसे हो दोस्तों, मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे स्वागत है तुम्हारा। तो आज का एपिसोड होने वाला है वेल्काना को हंट करने के लिए। तो वेल्काना का हंट करने के लिए प्राइमरी वेपन जो है वो मैं इंसेक्ट ग्लेव यूज़ करूँगा। तो यार, इंसेक्ट ग्लेव है स्टैमिना ड्रेनिंग वेपन। तो सबसे पहले मैं स्मिथी के पास जाऊँगा। नारगा कूगा के 3 सेट मैं रिड्यूस करना नहीं चाहता, तो मैं देखूँगा हेलमेट और वेस्ट पीस में कहीं पर स्टैमिना का कुछ होगा कि नहीं। फोर्ज इक्विपमेंट में आर्मर पे जाऊंगा और उसको सॉर्ट करूंगा मैं। स्किल्स में स्टैमिना के कुछ स्किल्स का नाम है मैराथन रनर, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैमिना सर्ज। एक एक करके देखते हैं। स्टैमिना सर्ज में नारगा कूगा का है, लेकिन सिर्फ एक लेवल है और एक लेवल स्टैमिना सर्ज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खास कुछ करने वाला है, क्योंकि सिर्फ 10% रिकवरी स्पीड देता है और 30% लेवल 3 पे देता है। तो अगर मैं नारगा कूगा क्राफ्ट कर भी लूँ तो स्टैमिना सर्ज 1 मिलेगा यहाँ से, और हेलमेट से 2 मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि स्टैमिना सर्ज के लिए पावलूमो का हेलमेट क्राफ्ट करूँ जिसमें 2 लेवल है। लेकिन उससे पहले और भी बाकी के स्टैमिना स्किल्स देख लेते हैं। तो स्टैमिना सर्च के बाद था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत ये रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन में 5 लेवल्स रहते हैं और 5 लेवल्स को पूरे करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट पूरा 1 आर्मर सेट लेना पड़ेगा, और वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वेस्ट पीस में कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह 1 ही है और हेड पीस में भी 1 ही है और 2 है, तो 3 लेवल कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं लगता कुछ खास रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं लग रहा, और वो भी कदाची लेवल 1 पे है जो कि है कदाची अल्फा। कदाची बीटा में देखूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन 1 है, तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो जो लास्ट लेवल है स्टैमिना का वो है मैराथन रनर, और डियाब्लोज में मुझे मैराथन रनर मिल रहा है। डियाब्लोज अल्फा में लेवल 1 है और इसमें सिर्फ 1 स्लॉट है जो कि यहाँ पर तुम देख सकते हो। मैं माउस लगता है वहाँ तक होवर नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर देखोगे तो डियाब्लोज में अगर क्लिक करूँ तो वहाँ पर सिर्फ लेवल 2 का स्लॉट है, लेकिन डियाब्लोज बीटा में लेवल 4 का एक स्लॉट है और लेवल 1 का एक स्लॉट है, और इसके लिए मुझे सिर्फ कैस्टाडोन हस्क चाहिए। क्योंकि यार डियाब्लोज के मास्टर रैंक मटेरियल है मेरे पास, क्योंकि मैं ऑप्शनल क्वेस्ट बीच बीच में करता रहता हूँ ऑफ स्क्रीन में, जो बच्चे खुचे रहते हैं। तो इसलिए यार चलो कैस्टाडोन को मारने चलते हैं। वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे चलेंगे, 1-2 कैस्टाडोन ख़त्म करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। देखते हैं कि कैस्टाडोन हस्क अपने को 3 पीस मिल पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यार वेपन चेंज कर लूँगा अभी के लिए सिर्फ, उसके बाद दोबारा से ही इंसेक्ट ग्लेव लेकर चलूँगा। तो जाऊँगा मैं, पोस्ट करने की ज़रूरत है, इवेंट क्वेस्ट में देखता हूँ कैस्टाडोन है कि नहीं। लगते तो नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही एक्सपीडिशन पे निकल सकता हूँ जो कि है वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे। कैंप लेवल 6 पे जाऊँगा और वहाँ पर कोशिश करूँगा 4-5 कैस्टाडोन ख़त्म करूँ। होपफुली 3 कैस्टाडोन हस्क तो उससे मिल ही जाएंगे, आई मीन 3 तो मिल ही जाने चाहिए यार। तो बहुत जल्दी मैं वहाँ से रोल आउट कर गया, क्यों कर गया वो अभी दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी मछलियाँ है और यहाँ पर देख सकते हो वेट फिश है। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले तो अपना जाली हाथ में लूँगा। रात है यहाँ पर तो सही से कुछ दिख भी नहीं रहा मुझे। यहाँ पे वेट फिश जो है वो तो नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, डार्क में अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अंधाधुन मार के देखता हूँ क्या पकड़ा जाए। सुशी फिश मिला है मेरे को, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए गिली मैंटल, ज़रूरत तो है नहीं मुझे। तो यार अब ढूंढना है मेरे को 1-2 कैस्टाडोन, और यहाँ पर क्या मिला है मुझे, एक पर्पल कलर के आइकन में बैरोथ है। यूजुअली बैरोथ का जो आइकन है वो ग्रीन रहता है, तो
तो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, वहां पर देख सकते हो बैरोथ के आगे थ्रेट लेवल लिखा है। इसका मतलब जो है बैरोथ जो है वो टेम्पर्ड बैरोथ है, वो कोई ऐसा वैसा बैरोथ नहीं। और सामने ही देख सकते हो ग्लैवेनस की पूंछ दिख रही होगी। तो वहां पर मेरे को जाना नहीं है, मेरे को इस एरिया पे जाना है जहां पर केस्टोडॉन वगैरह है। ये देख सकते हो यहाँ पे हवा में हिला रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। काफी ज्यादा हेल्थ हो चुकी है इनकी, मर ही नहीं रहे। काफी ज्यादा अटैक्स के बाद मरेगी कैस्टोडॉन, कोई दिक्कत नहीं। कैस्टोडॉन हस्क एक मिल चुका है और दो की जरूरत है बस, दूसरा भी मिल चुका है, एक और चाहिए बस, तीसरा। ओके, तीन कैस्टोडॉन हस्क मिल चुके हैं तो अच्छी बात है, एक ही बार में रिटर्न कर सकता हूं मैं सेलियाना तक। और वहां पर मैं अपने लिए डियाब्लोस का जो वेस्ट पीस है वो क्राफ्ट कर सकता हूं। तो यार क्योंकि वेलकाना से लड़ने जाना है, बड़ी लड़ाई है, इंसेक्ट ग्लेव से लड़ना है, तो वही रीज़न है कि पहले ही मैं अच्छा खासा फार्म करके रख रहा हूँ ताकि वेलकाना से लड़ते टाइम मुझे कुछ परेशानी ज़्यादा ना हो। वैसे परेशानी तो होएगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं रुकूँ तो वो स्टैमिना डिप्लीशन की वजह से रुकूँ। मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरी हैंडलर लग रही है। फोर्ज इक्विपमेंट आर्मर फिर से मैं वही स्किल्स के साथ सॉर्ट आउट कर दूंगा। मैराथन रनर और डियाब्लोज रेडी होना चाहिए। ये देख सकते हो यार डियाब्लोज बीटा, रेरिटी 10 आर्मर है, डिफेंस 140 मिल रहा है मुझे, स्लॉट एक 4 लेवल एक 1 लेवल, तो इसी को मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। पार्ट ब्रेकर स्किल इससे मेरा चला जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यार देख सकते हो डियाब्लोज का आर्मर कितना ज़्यादा मोटा है। अब एक और चीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्किल में पहले जो देखा था पावलुमू का जो आर्मर है, आई गेस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था वो, स्टैमिना सर्ज था। हाँ, तो यहाँ देख सकते हो पावलुमू का जो आर्मर है रेरिटी 9 का आर्मर है, लेकिन उसमें स्टैमिना सर्ज लेवल 2 मुझे मिल रहा है। तो यार एक पावलुमू के हंट में चलते हैं, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, तो एक पावलुमू को हंट कर लेते हैं, उसके बाद एक बार स्टैमिना सर्ज आ जाए। और पावलुमू कोर्टेक्स, पावलुमू शार्ड, पावलुमू थिक फर, ये सब चीज़ें एक ही बार में मिल जानी चाहिए क्योंकि मैं उसको कैप्चर कर लूँगा। क्राफ्ट में जाऊँगा, शॉक ट्रैप 2 या 3 क्राफ्ट कर लूँगा। मैनेज आइटम्स, ट्रैंक बॉम्ब्स है मेरे पास तो उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शॉक ट्रैप एक लेके पावलुमू के एक हंट में निकल लेते हैं। अभी मैं आर्मर की ज़्यादा परवाह नहीं कर रहा क्योंकि पावलुमू जो है वो मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस फील रहता है पावलुमू में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पावलुमू को ऐसे ही ख़त्म करने में। द प्लाइट ऑफ पावलुमू कोरल हाइलैंड्स में, ओके तो वही लेते हैं। तो यार क्वेस्ट तैयार है, लोडिंग टाइम अभी आ जाएगा। एक बार मैं ये भी देख लेता हूँ कि हेल्थ बूस्ट मेरे पास है कि नहीं, कि हेल्थ बूस्ट तो ज़रूरी ही है। हेल्थ बूस्ट लेवल 3 पे है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो डियाब्लोस का आर्मर आ चुका है, स्टेडफीस्ट है, माइज़मा है, आर्टिलरी है, तो ज्वेल्स का भी एक बार फिर से चेक कर लेंगे, लेकिन इस बार पहले पावलुमू को ख़त्म करके आते, उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्वेल्स सेट करेंगे और उसके बाद चल लेंगे वेलकाना के हंट के लिए। यार क्वेस्ट रेडी है, पावलुमू नहीं दिख रहा, आई गेस इसी रास्ते पर है। नाइस, थोड़ा बहुत हनी भी मिल चुका है जो कि बहुत अच्छी बात है। स्लीप हर मैक्स डाउट है पावलुमू, लेकिन मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा, यूजुअली इसी लोकेशन पर रहता है वो। उसके नेस्ट की तरफ जाकर देखते हैं, हो सकता है वहीं पर हो। बुरी कोशिश, कोई दिक्कत नहीं।
मुझे लग नहीं रहा कि उसके नेस्ट पे भी है वो। ओके, पहले फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं। शायद सही रास्ते पे हूँ मैं। स्काउट फ्लाइज रास्ता वगैरह दिखा नहीं रहे और पावलोमो दिख नहीं रहा मुझे, ना कि मैप में और ना ही मिनी मैप में। फिर से उसके नेस्ट के पास जाकर देखूंगा, इस बार थोड़े केयरफुली सुन के देखूंगा कि स्काउट फ्लाइज कहाँ लेकर जा रहे हैं। बीटल है वहाँ पे, बीटल का मैं क्या करूँगा। तो यार मिनी मैप में अभी पावलोमो दिखा तो दिया। ओके, तो लेकिन स्काउट फ्लाइज किसी काम के नहीं है यार, मैं सही बता रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि मैंने पावलोमो को ज़्यादा हंट ना किया हो और उसी वजह से पावलोमो के जो फुटप्रिंट्स है या फिर पावलोमो के जो सेंट है वो स्काउट फ्लाइज ज़्यादा जल्दी से पकड़ नहीं पा रहे। फिर से उसके नेस्ट की तरफ से जाकर देखते हैं जो उसका डिफॉल्ट एरिया होता है, क्या पता फिर से वहाँ पर स्पॉन हुआ हो। देखकर तो लग रहा है, दूर से देख सकते हो वहाँ पर कि स्पॉन तो हो चुका है। अरे यार क्यों, मुझे लगा मेरा हंटर वहां पर कूद के पकड़ ही लेगा लेकिन पकड़ नहीं पाया। खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करूंगा। बढ़िया, तो यार देख सकते हो स्पॉन हो चुका है यहां पर पावलोमो। उसको मारूंगा मैं एक बॉम्ब पॉड, के नीचे कूदने का वेट करते और बॉल बैंड। नाइस, पूंछ को सबसे पहले मैं टेंडराइज करूंगा क्योंकि पूंछ उसका जो है वो यूजुअली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पार्ट है और मैं नहीं चाहता कि अगर गलती से मेरी तलवार उसके पूंछ पे लग जाए। तो वाइट डैमेज जाए, बच गया वो। अरे बढ़िया, एक और बार पंखों को मैं टेंडराइज कर दूंगा। ये कैसा मूव था, अरे बाप रे, मुझे लगा सिर्फ हवा है लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही खूंखार निकला, कुछ ज़्यादा ही हेल्थ ख़त्म कर दी स्नेक की बार पे, कुछ ज़्यादा ही हेल्थ ख़त्म कर दी। एक तो उसके मूव्स बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे दिख भी नहीं रहे। तीन, ओके, वो तीन बार वो मूव यूज़ करता है, ठीक है। मुझे लगता है एक बार मैं उसको फिर से जमीन से नीचे गिरा सकता हूँ। कुछ हुआ नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बहुत बुरी टाइमिंग पे उसने चलाया। खैर उसका पीछा करूँगा मैं, और मुझे जहाँ तक लगता है वो जा रहा है अपर एरिया में।
तो थोड़ा खुला जगह है वहाँ पे, क्लटर्ड नहीं है, तो होपफुली वहाँ से थोड़ी अच्छी तरीके से उससे फाइट ले सकूँ। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा ना, रेशन के एक पीस खा लूँगा ताकि थोड़ा सा स्टैमिना रहे एटलीस्ट। तो इधर साइड में देख सकते हो फ्री मील एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर तुम्हें याद होगा कि कोई तो भी मैंने एक ज्वेल लगा रखा था जिसमें सैटिएटेड लिखा हुआ था। अरे यार बहुत ही गलत टाइम पे था। एक वॉल बैंड प्लीज। नाइस। एक तो यार उसका विंड प्रेशर है। फोरसाइट, बढ़िया फिनिश। हेल्म ब्रेकर की तैयारी, बढ़िया शॉट। बालून नीचे और एक बार में पैरा लगे, बहुत सही। एक और बार, एकदम हेडशॉट। फोर साइड एक, ओ मुझे लगा और भी मारेगा। उसने मेरे हेल्म ब्रेकर से पहले ही अपना खुद का कुछ तो भी लगा दिया। फिर से नहीं यार, स्टन होते ही इस बार मारा, और इस बार उसने चार बार वही मूव किया। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो चार बार ही कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फोर साइड सही टाइम पे था। एक और बार, बहुत ही उल्टे सीधे मूव से इसके। बढ़िया बढ़िया। तो नीचे गिर चुका है वो, उसी टाइम का फायदा उठाऊंगा और अपना स्पिरिट गेज फुल कर लूंगा। सबसे पहले एक मटेरियल भी गिराया उसने, पावलोमु शार्ड एक मिल चुका है। बढ़िया बढ़िया बात है। सही लोकेशन पे हूँ मैं? हाँ सही में, या फिर शायद नहीं। वो फिर से ऊपर जा चुका है, लेकिन ऊपर जाने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेपन शार्पन। मैं नहीं चाहता कि पावलुमु को आधे ढीले वेपन से लड़ूं मैं, सॉरी आधे शार्पिन वेपन से लड़ूं मैं। और ऐसा लग रहा है लेगियाना और पावलुमु की मुलाकात हुई है। अगर तुमने आवाज़ सुनी होगी तो वो लेगियाना की आवाज़ थी, मैं गलत नहीं हो सकता इस पे। और देखते हैं लेगियाना और इसके बीच टर्फ वॉर होता है कि नहीं। अच्छा मिस्टर नाइकॉन यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ा पहले आना चाहिए था ताकि मिस्टर नाइकॉन के स्टन का पूरा फायदा उठा पाता। अरे यार पूरी टाइमिंग।
सवारी मिल चुकी है मुझे यहाँ पे। बालुओं का जो टेक्सचर है वो ऊपर से एकदम ही इन छोटे वाले परिंदों की तरह लग रहा है, क्योंकि बहुत अजीब बात है क्योंकि पालूमू जो है वो प्रेडेटर जानवर है, और प्रेडेटर जानवर का जो कलरेशन है वो एक प्रे जानवर से अडेप्टेड हो, तो इसका ये मतलब है पालूमू सबसे फूड चेन में नीचे है और इसके नेचुरल शिकारी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है पालूमू ऐसा वाला बड़ा मॉन्स्टर है जो फूड चेन में सबसे नीचे है। ऐसे छोटे छोटे क्यूज जो है वो ढूंढने में मज़ा आता है गेम में, क्योंकि यार गेम खेलना तो चलता रहेगा। यार लगा था हेल्म ब्रेकर, कहाँ गया वो? हेल्म ब्रेकर लगा था, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हेल्म ब्रेकर का क्या कहते हैं, हेल्म ब्रेकर का जो हिटबॉक्स है वो थोड़ा डिलेड रहता है, ताकि उसको थोड़ा सिनेमैटिक फील देने के लिए। तो उसी डिलेड हिटबॉक्स की वजह से हेल्म ब्रेकर लग तो गया लेकिन उसका डैमेज नहीं आया। अरे क्यों, लुक्का छुपी चल रही है क्या यहाँ पे? अरे नहीं, फिर से हेल्म ब्रेकर की तैयारी। क्या नहीं, फिर से नहीं। चलो अच्छा, एक तो लगा और ये फिर से नीचे, और नीचे भी पैरालिसिस से आया है। डिस्टेंस लूंगा, हेल्म ब्रेकर तैयार, और एकदम हेडशॉट, नाइस। फिर से सांस ले रहा था वो, तो सांस लेने से ही मैंने रुक लिया। एकदम कॉर्नर हो चुका हूं मैं यहाँ पे, फिर से कॉर्नर नहीं हो चुका। ओके, एक बार फिर से। क्या गलत टाइम पे मैंने फोर साइड डाला, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो यार यहां पर लगता है मैं मरने वाला हूं, और मर चुका। बिल्ला अपने को एक फेंट से तो बचा सकता है, लेकिन बार बार अगर मैं फेंट हुआ तो बच नहीं पाऊंगा, तो हील कर लेता हूं मैं सबसे पहले। फालतू में ही ये ऊपर है और मैं अपना पेशेंस लूज कर रहा हूं। ये देखो विंड प्रेशर, फालतू के शिनारीगन से ये सब। मिनी मैप है तो यही दिखा रहा है। अच्छा, आगे की तरफ जा रहा है। फिर से पीछा करूंगा इसका, और जितना मुझे लगता है कि वो थक चुका है। नहीं नहीं नहीं, थका नहीं है, थका नहीं है। मुझे लगा था वो कैप्चर होने के लायक है, लेकिन अभी तो क्लोज भी नहीं आया वो कैप्चर होने के। खैर कोई दिक्कत नहीं, क्लोज आए ना आए, कैप्चर तो उसको होना ही है। अनहोनी को होने से कोई नहीं रोक सकता। वॉल बैंक, ओके। आते हुए देखा नहीं मैंने, मुझे लगा था कि मैं हेल्म ब्रेकर तो नहीं फोर साइड कर लूंगा।
तो यार देख ही सकते हो कि पावलोमो की पूंछ जो है वो कितनी मजबूत है। फोरसाइट, कोशिश करूंगा इसको नीचे गिराने की, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ तो भी स्लिंगर एमो चाहिए, तो अभी वही ढूंढ रहा हूँ मैं। आसपास देखकर लगता नहीं कहीं पर तो भी स्लिंगर एमो है। खैर हनी उठा लेता हूँ। ओके पावलोमो फाइनली कमज़ोर हो चुका है, बहुत ही कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन काफ़ी ही बोरिंग सा मैच था, क्योंकि उसके कुछ मूव्स तो ऐसे थे जिसको बस पेशेंस के साथ ही डॉज करना था। लेकिन पता नहीं यार, पावलोमो का पहले के मैचेस जितने एक्साइटिंग होते थे, इनफैक्ट नाइट शेड पावलोमो का मैच जितना एक्साइटिंग था उतना इस पावलोमो का नहीं था। ये मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। खैर तो जल्दी से जाकर इसको कैप्चर कर लेता हूँ और देखता हूँ इसका हेलमेट में क्राफ्ट कर पाता हूँ कि नहीं। ये हो चुका है कैप्चर। उसके तीनों पार्ट्स तोड़े हैं मैंने, वैसे उसके दोनों पंख तोड़े हैं और उसका हेड भी तोड़ दिया, देख ही सकते हो स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं। तो होपफुली इसके पार्ट्स जो है वो थोड़े से एक्सीडेड मिलेंगे मुझे और होपफुली मैं इसका हेलमेट एक ही बार में भी क्राफ्ट कर पाऊँ। डियाब्लोस का वेस्ट पीस जो है कुछ ज़्यादा ही फनी लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके वेस्ट पीस की जगह मैं कोई तो भी कवर आर्मर लगा दूंगा। क्राइसिस अटैक ज्वेल बुरा नहीं है लेकिन मेरे को अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ था मैं, हाँ वेस्ट पीस की जगह मैं सोच रहा हूँ कि एक लेयर्ड आर्मर लगा दूंगा। लेयर्ड आर्मर बेसिकली स्किल होता है, स्किन होता है, वो बेसिकली स्किल्स वगैरह चेंज नहीं करता, बस वो अपीयरेंस बदल देता है। तो देखता हूँ हेलमेट रेडी है कि नहीं। फोर्ज इक्विपमेंट में जाऊँगा, आर्मर में देखता हूँ। पावलोमो लूमू अल्फा और लूमू बीटा, तो यार देख सकते हो स्टैमिना सर्च तैयार है, तो इसको मैं कर लेता हूँ इक्विप। और इसके बाद जो भी इक्विप किया है मैंने उन आर्मर्स को मैं कर दूंगा अपग्रेड। तो जैसे कि डियाब्लोस का ये पीस हो गया फुली अपग्रेडेड है, 144 मेरे को यहाँ पर रॉ डिफेंस मिल रहा है, और पावलोमो का ये पीस हो गया 134 मेरे को डिफेंस मिल रहा है, जो कि कम है कंपेयर टू मेरे बाकी के आर्मर, लेकिन अभी के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यार सबसे पहले तो चेंज कर लेता हूँ मैं इंसेक्ट ग्लेव में वापस से। इस बार थोड़ा हीलिंग वाला इंसेक्ट ग्लेव लूँगा क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं चेंज कर पाऊँगा कि नहीं। इक्विपमेंट में देखता हूँ कुछ और मेंटल्स मेरे पास है कि नहीं। चैलेंजर मेंटल है जो कि मेरे को प्रॉम्प्ट्स मॉन्स्टर टू टारगेट यू मोर ऑफन, ठीक है ये तो चाहिए नहीं। ग्लाइडर मेंटल में कुछ ज़्यादा है नहीं। वाइटैलिटी, चलो वाइटैलिटी लेकर के देखते हैं, या फिर हेल्थ बूस्ट लेकर के देखूंगा ताकि अगर कभी हेल्थ कम हुआ तो उसी जगह पे मैं हेल्थ बूस्ट लगा के खुद को हील कर सकता हूँ। डेकोरेशंस में एक बार जाकर देखेंगे। सबसे पहले तो यार देख सकते हो जो हेल्थ बूस्ट है वो एकदम 1 पे आ चुका है, तो जितने भी लेवल 1 स्लॉट्स है उसमें मैं वाइटैलिटी ज्वेल्स भर दूंगा। ओके 3 वाइटैलिटी ज्वेल्स यानी कि 3 हेल्थ बूस्ट, बहुत सही चीज़ है। उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास स्टैमिना वाले और क्या क्या चीज़ें आ सकती है। सबसे पहले तो मैराथन रनर है मेरे पास, तो यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास और क्या क्या है। इवेड विंडो 4 है, चलता है। मैराथन रनर से लेकर के कुछ है कि नहीं। स्लगर है, क्रिटिकल आई है, रेस्क्रूसिएट, मैराथन रनर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखता हूँ मैं।
रेजिस्टर फिजिक है, रेजिस्टर ब्लाइट रेजिस्टेंस देता है, स्किल अच्छा है, कंप्लेन नहीं करूँगा मैं। तो रेजिस्टर फिजिक लेना चाहिए। आइस रेजिस्टेंस में मेरे को लेवल 2 आइस रेजिस्टेंस मिलता है। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे को ब्लाइट रेजिस्टेंस मिल सके, लेकिन ब्लाइट रेजिस्टेंस का मेरे पास कोई आर्मर नहीं है। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा अभी यह है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं करूँगा क्या। सैटिएटेड अटैक ये ले सकता हूँ मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टैमिना मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। क्राइसिस में मुझे रेस्क्यू शेट मिल रहा है, और रेस्क्यू शेट है इवेजन इनवनरेबिलिटी और स्टैमिना डिप्लीशन कम हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब मुझे आइस ब्लाइट लगेगा। तो ये मैं ले सकता हूँ, क्योंकि आइस ब्लाइट के टाइम पे मैं चाहता हूँ मेरा स्टैमिना बहुत जल्दी से डिक्रीज ना हो। और देख सकता हूँ मैं, माइजमा की ज़रूरत नहीं है, डेफलॉक की ज़रूरत नहीं है, मायर वॉकर लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी। यार एक और स्किल है, या फिर कह सकते हो एक और ज्वेल है जिसके बारे में बताना भूल गया था, और वो है एक लेवल 2 का ज्वेल, और वो है वार्मिंग ज्वेल। वार्मिंग ज्वेल बेसिकली मुझे हॉट ड्रिंक पीना ही नहीं पड़ेगा आइस बायोम्स में, तो अगर मैं इसको लगा सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-स्टार का भले ही वो स्लॉट था, लेकिन ये ज्वेल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो यार मैं इसी को लगा के चलूँगा। और लेवल 1 के लिए मैं देखता हूँ कुछ बचा खुचा होगा कि नहीं। डिफेंस ज्वेल लगा सकते हैं, लेकिन रेजिस्टर ज्वेल लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ब्लाइट रेजिस्टेंस दे सकता है, 50% रेजिस्टेंस देता है ब्लाइट से, तो मैं रेजिस्टर ज्वेल लगा दूँगा। और यार फाइनली टाइम आ चुका है वेलकाना से लड़ने का, इसी मोमेंट का वेट था। सबसे पहले तो कर लूँगा मैं मील, और चल दूंगा वेलकाना की फाइट के लिए। इंसेक्ट ग्लेव रेडी है, इंसेक्ट रेडी है, क्वेस्ट रेडी है। द आइसबॉर्न वाइवर होरोफ्रोस रीच, लेट्स गो। और जैसे जैसे कि ये तैयार होता है, कुछ अपने लिए चीज़ें क्राफ्टिंग कर लेता हूँ मैं, जैसे कि हो गए मेगा पोशंस। और मैनेज में जाऊँगा और रीस्टॉक कर लूँगा मैं हर चीज़, सॉर्ट आउट भी कर लूँगा। ओके, क्वेस्ट लोडिंग काफ़ी देर तक हो रहा है, और क्वेस्ट लोड हो चुका है। वहाँ पर मेरा एड्रेनलिन बढ़ रहा था, तो अब क्वेस्ट लोड हो चुका है, अब और ज़्यादा बढ़ेगा, अब थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा। तो यार चलो चल लेते हैं वेलकाना को मारने। ओके, सप्लाई बॉक्स में कुछ चीज़ें हैं। स्काउट फ्लाइज ने सेंट को पिकअप कर लिया है। मैं देखता हूँ और मेरे पास क्या क्या है। नलबेरी मेरे को दिख नहीं रहे मेरे पास है करके। ओके, 10 नलबेरीज भी है, जो कि बहुत सही चीज़ है। जब भी एक बार हाई स्प्लाइट लगे, नलबेरी खाओ, खुश रहो। और क्या क्या चाहिए, आई गेस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। और वेलकाना तक पहुंचते ही कहीं एक दो जगह पर एक और भी अगर मिल गया तो वो भी बहुत अच्छी बात है। गिली मैंडल की ज़रूरत है नहीं वैसे मुझे यहाँ पर, तो मैं हेल्थ बूस्टर पर ही अपना कर्सर लगा के रहूँगा, ताकि जैसे ही मौका मिले हेल्थ बूस्टर लगा लूँ मैं। काफ़ी दूर तक लेके जा रहे हैं मुझे ये लोग। और स्काउट फ्लाइज गायब। या फिर स्काउट फ्लाइज खुद ही कंफ्यूज्ड है कहाँ लेके जाना है। और अभी स्काउट फ्लाइज भी गायब है, क्योंकि रेड कलर का मार्क आ चुका है। ओके, इसी तरफ जाना है, स्काउट फ्लाइज इसी तरफ लेकर जा रहे हैं।
वेलकाना के नेस्ट तक लगता है डायरेक्ट मैं पहुंचूंगा। पत्थर उठा लेता हूं ताकि उसको वॉल बैंक दे सकूं मैं। वेलकाना फुटप्रिंट्स, नाइस। करीबी है, स्काउट फ्लाइज जो है और ज़्यादा तेज चमकने लगे हैं। यहाँ पर एक और लगा है, वो खा लेता हूँ मैं ताकि पावर कौन से मुझे थोड़ा डैमेज बूस्ट भी मिल जाएगा। यार देख सकते हो वेलकाना फुटप्रिंट मिल चुका है मुझे। एक नया पाथ ओपन हो चुका है यहाँ पे, और नए पाथ का मतलब तो समझ सकते हो वेलकाना यहीं पर है। कटसीन भी शुरू हो चुका है, नाइस। तो यार अब होगी असली लड़ाई, और जिस तरीके से पाथ का जो डिज़ाइन है उसको देखकर समझ सकते हो कि वेलकाना आइस को कितने अच्छे तरीके से मेल्ट कर सकता है या सकती है। वेलकाना आई गेस थोड़ा फीमेल नेम है, तो आइसबॉर्न वाइवर्न है तो फीमेल ही है। उसका डिज़ाइन देखकर भी वैसा लग रहा था। बहुत सही, बहुत सही, एकदम शुरू से ही आर्मर्ड है वो, मुझे नीची नजरों से देख रही है वो। अब तो मैंने इसको पर्सनल ले लिया है। स्काउट फ्लाइज नहीं, मेरा जो किनसेट काफी तेज है, और क्योंकि किनसेट तेज है पहली सवारी मिल चुकी है, काफी जल्दी मिल गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे कोशिश करूंगा कि जो स्लैश फ्लरी है उसके सर पे ही मारूं, क्योंकि अभी इसका आर्मर फिलहाल एकदम बरकरार है। क्योंकि ये वाला जो वेलकाना का डिज़ाइन था वो लास्ट टाइम जब वेलकाना से मिले थे एकदम एंड पे उसने अपना ये फॉर्म बनाया था, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि फुल पावर पे वेलकाना आई है अपने से लड़ने। पंखों को भी कर दूंगा मैं टेंडराइज। लगातार अभी मैं यही स्पैम करूंगा। सही चल रहा था। स्टैमिना लो है, बढ़िया डॉज था। फिर से सही, एक और सवारी, बहुत अच्छे, क्योंकि टेंडराइज्ड है। अब जब भी हेड पे डैमेज करूंगा तब जो डैमेज का नंबर है वो अच्छा खासा आएगा, क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी पार्ट टेंडराइज रहता है उसमें जो अफिनिटी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा आती है। स्लैश फ्लरी, बहुत सही। शायद मैंने एलिमेंट तोड़ दिया इसका। बहुत ही क्लोज रेंज में मैंने उसके पूछ में मारा। अरे कैसे, कैसे उस
उसने फिर से अपना आर्मर रिकवर कर लिया है। एक वॉल बैंक बस बढ़िया। हेडशॉट। तो यार देख सकते हो पहला आर्मर पीस जो है वो मैंने तोड़ दिया है। आइस के चंक्स देखो बन रहे हैं यहां पर। तो वेलकाना से तीन लड़ाइयां इसलिए हुई क्योंकि सारे मूवसेट लर्न करने के लिए टाइम चाहिए और इसके पास बहुत सारे मूवसेट्स हैं। थोड़ा सा रह गया। बहुत सही। जल्दी से नलबेरी ले लेता हूँ। नलबेरी अरे यार नहीं, पैनिक हो गया मैं वहां पे। बहुत सही, यही है। जैसे ही पैनिक होता हूँ वैसे ही मरता हूँ मैं। अगर तुमने सेकिरो गेम खेला होगा, एक कहावत थी वहां पे जो था हेजिटेशन इज डिफीट, जिसका एग्जांपल तुम यहां पर देख सकते हो। जैसे ही मैंने हेजिटेट किया वैसे ही एक डेथ आ गया मेरे को। वैसे वेलकानो को मैं, जैसे कि मैंने एकदम ही सीरीज के शुरू में कहा था, मैं पूरा गेम ख़त्म कर चुका हूँ। वेलकाना से भी बहुत बार लड़ा हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे जैसे गेम एकदम शुरू से खेलते जाते हैं, एक बार फिर से गेम को रीलर्न करने का मौका मिलता है, फिर से नए नए आर्मर सेट्स ट्राई करने को मिलते हैं। वेलकाना गुस्सा हो चुकी है अभी। इसके लिए तो यार ऑनेस्टली मैं तैयार नहीं था, लेकिन इसके लिए तैयार था मैं। एक बार टेंडराइज, नाइस, बहुत सही। यार फिर से नहीं, इसका ये मूव मुझे बहुत ही बेकार लगता है। नलबेरी खा लिया मैंने। फिर से वही वाला मूव। तो यार इससे एक चीज तो याद होने लगी है कि जब भी एकदम ही हवा में रोर करती है तो एकदम ही वो आइस क्रिस्टल स्पॉन होने लगते हैं जो कि मुझे आइस ब्लाइट दे देते हैं। ओके, एलिमेंट तोड़ दिया मैंने इसका। तो यार बेसिकली होता ही है कि गेम में जो भी मॉन्स्टर का सबसे कमजोर एलिमेंट होगा उससे अगर उसको लगातार वार करते रहोगे तो मॉन्स्टर का जो डिफॉल्ट एलिमेंट है वो टूट जाता है और उससे एक एलिमेंट टॉपल मिल जाता है। और जैसे ही एलिमेंट टॉपल मिलता है मॉन्स्टर भी कमजोर हो जाता है। इसको मैं वॉल बैंक दे सकता हूं। तो वहां पर है, देखो पॉड्स मुझे दिख रहे हैं।
वो भी मेरी तरफ आ रही है। इंसेक्ट चार्ज है, बढ़िया। नाइस। और दो तीन। बढ़िया मूव था वेल का ना। ओके, फिर से इसको गुस्सा आ चुका है। ये मूव, जब भी वो ये मूव करती है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जहां पर हो वहां पर एक जगह पर खड़े मत रहो, इधर इधर घूमते रहो, तो वो मूव वैसे ही काम नहीं करेगा। ओ! नोटिस किया, कुछ ज्यादा ही खतरनाक डॉज था वो, और ये बहुत ही बुरा डॉज था। दूर जाके कर लेता मैं खुद को हील। तो यार सेकंड फेज काफी अच्छा गया, ज्यादा बुरा नहीं था। वेपन को कर लेता हूँ शार्पन। अच्छा वेटस्टोन भूल गया मैं फिर से। चलते हैं फिर वेलकाना के पीछे। हील कर लेता हूँ मैं खुद को, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके अटैक्स कब किस तरीके से कितने खतरनाक होते रहेंगे। फिर से मैं एक और पावर कॉर्न खा लूंगा, तो ताकि डैमेज मुझे उसके थोड़ा मिले। ओके, वेलकाना एग्रो हो चुकी है। यही मूव सबसे सस्ता मूव लगता है मेरे को ये। क्योंकि उस मूव में सिर्फ रैंडमनेस है, कुछ सब्सटेंस नहीं है। बढ़िया, एक और सवारी। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास इंसेक्ट ग्लेव है इसलिए मैं इससे इतना अच्छा लड़ पा रहा हूँ। अगर मेरे पास ग्रेट स्वॉर्ड या फिर लॉन्ग स्वॉर्ड होता तो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता मैं। और उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है कि मैं इस क्वेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूँ। स्लैश फ्लरी लग चुकी है, बहुत सही। हेड को मैं कर दूंगा टेंडराइज यहीं पे। ओके ओके, फिर से वही मूव। और एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो, अभी एग्रो नहीं है वो। फिर से वही मूव। एक और ये वॉल बैक। नाइस, दो पावर अप्स ले चुका हूं। हेडशॉट, खोपड़े पे मारा मैंने फिर से। ओहो, बढ़िया बढ़िया डॉज था वो। फिर से एलिमेंट तोड़ चुका हूं मैं इसका। फाइट लंबा है लेकिन फाइट मजेदार है।
वेलकाना कमजोर, वेलकाना कमजोर। एक और सवारी प्लीज। अरे यार नहीं, तो यार बहुत ही ज़बरदस्त फाइट थी वो, स्टैमिना मेरा कम हो चुका है यहाँ पे। एक और खा लूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है, और एक और वहाँ पर है भी नहीं। बीबी क्यों खा लूँगा मैं? बीबी क्यों रखने के लिए जगह नहीं है, तो हॉट पेपर की जगह मैं बीबी क्यों नहीं, क्या कहते हैं, कुक्ड मीट रख लूँगा। तो देख सकते हो यार, स्टैमिना इतनी देर तक लड़ते लड़ते लो हो ही गया था। नलबेरी भी मैक्सड आउट है, और क्योंकि इंसेक्ट ग्लेव है मैं शायद एक वेकअप हिट दे सकता हूँ। होपफुली मेरे पावर अप तब तक ख़त्म ना हो बस। तो देख सकते हो यार, वेलकान अपने नेस्ट तक पहुँच चुकी है, थक चुकी है वो, थका दिया है मैंने उसे। बस अब देना है इसको एक वेकअप हिट, होपफुली एकदम हेड पे दे सकूँ मैं। रेडी? बढ़िया शॉट, बहुत सही शॉट। एक और? नहीं, इस मूव से वाकिफ हूं मैं, ये मूव भी जानता हूं मैं। बिना देखी जान गया मैं वो कौन सा मूव करने वाली थी। ऐसा लग रहा है मैं वेलकानो को अच्छे से भी रीड कर पा रहा हूं। ओके, आर्मर वो फिर से निकाल चुकी है, उसको फिर से गुस्सा आ चुका है, फिर से वही आइस वाला मूव, सबसे सस्ता वाला मूव। ये क्या हुआ? अच्छा, उसने मुझे फ्रीज करके मारा, खैर कोई दिक्कत नहीं। नलबेरी ढूंढना है मुझे। वेपन बिना शीट किए अगर मैं वहां से स्क्रॉल करता हूं तो ऐसा लगता है कि वेपन के अटैक भी एक ही साथ कर रहा हूं। अरे भाई, और ये बढ़िया हेडशॉट। रोल? अरे नहीं, बढ़िया शॉट था वो, एकदम कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड नहीं था। अरे अरे अरे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया वो क्या था, या फिर मैंने वहां पर क्या किया। चलो कोई खतरा नहीं है तब तक। सबसे सस्ता वाला मूव फिर से, हेल्थ बूस्टर लगा देता हूं यहां पे। बढ़िया कोशिश थी वेलकाना। तो यही है यार स्पेशल टूल्स का काम, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं। फिर से वही मूव, बहुत ही अभी अनोइंग लगने लगा है वो मूव। ऐसा लग रहा है कि यार पहले वाले टाइम पे जो मजा था उस मूव में वो अभी आ नहीं रहा। फिर से एलिमेंट ब्रेक, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एक और नहीं 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 नहीं, ओह भाई साहब,
हंट बहुत लंबा था, हंट में रश था, हंट में मजा था यार, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग हंट था वो। एक बार गेम खत्म करने के बाद जब एकदम ही एंड लेवल के वेपन से लड़ने जाते हैं तब बहुत ज़्यादा ज़्यादा डैमेज करते हैं और वो एक्साइटमेंट हम भूल जाते हैं कि सबसे पहली बार एक मॉन्स्टर से लड़ने में कितना मज़ा आया था। तो यार ये था वेल्काना का फाइट इंसेक्ट ग्लेव के साथ। बहुत ही रश था फाइट में, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो यार वेल्काना का फाइट हो चुका है ख़त्म, देखते हैं इसमें लूट क्या क्या मिल। अरे चलो लूट नहीं दिखाएंगे, पहले कट सीन दिखाएंगे। Well done. You've outdone yourself. Amazing. How'd you do it? Can't believe it. Formed by magma, cooled rapidly. By using these shards, it's able to control the cold. Then when they weather and fall off, it simply replaces them. Oh man, that's cool. Interesting. Remarkable indeed. Oh, wow. You must be excited to see your grandfather now. Yeah. It's just... I have the feeling that... There was something else he wanted me to know. He'll let you know. Right. And I'm going to tell him everything. partner! For everything you've done for me, thank you so much. I mean you. And then... What I mean is... Greetings. Back, huh? Nice. Things have calmed down around here. It would appear so. Then please, enlighten me on everything I've missed. Thanks. And so... Legiana resumed their normal routine, and thus we were able to avoid complete disaster. Impressive work. However, I have some troublesome news for you. I'd like to share what I've discovered. But before that... We've discovered unnatural fault lines all over this place. Tons of them. This all points to frequent seismic action throughout the area. Seismic action? Right. However, we haven't been able to figure out how this connects to Vel'Koana. That, and we don't know what's causing those songs. Wait a sec. It appears that everything is connected. The Legiana's behavior and the rejuvenated Vel'Koana are a simple byproduct of this phenomenon. If we don't put a stop to this, the ecosystem irregularities will continue. Okay, then. What's the cause? The old devil worm. पूरा नीचे गिर गया। साइज्मिक एक्टिविटीज, इतना तेज भूकंप,
हाँ, तो यार वेलकाना का क्वेस्ट खत्म हो चुका है। वेलकाना कॉर्टेक्स, वेलकाना टेल, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स, वेलकाना विंग, क्राउन हॉर्न, एक नया जेल भी मिला है मुझे जो कि एंशिएंट फेसस्टोन। अरे यार वेलकानो को मारने के बाद लेवल वन ज्वेल क्यों? खैर जो भी है मैं ले लूँगा उसको। तो यार वेलकाना का क्वेस्ट ये था। अब देखेंगे वेलकाना का क्या आर्मर है, क्या वेपन है, क्या स्किल्स है। लोडिंग स्क्रीन देखकर ऐसा लगता है एक और कट सीन आने वाला है। Before we get started, let me just say one thing. The way everyone came together to overcome Vel'Koma, it made me proud to be a part of this team. Outstanding work. That said, our work's not done. Report. I've been conducting an inquiry into the source of the mysterious song reported by the Fifth Fleet. And I've been doing my own separate investigation into the geological phenomenon we're now calling seismic actions. Together, we've realized that the most profound traces of seismic actions happen to be everywhere that the song's been heard. They can't possibly be caused by the same thing, can they? The old Everworm. Of course, those might just turn out to be silly words written on a piece of old cloth. But I think whoever wrote them must have had their reasons. At any rate, we need to find more locations linking the song and the seismic actions. The two of us alone cannot cover enough ground. I agree. We should look into the link between these two phenomena. Now, what would you have us do? I think the Fourth Fleet Hunter should lend a hand with investigating the song and the seismic actions. And as for the Fifth, I think it'd be best for them to focus their sights on monster behavior in each region. Just like with the Legiana, it wouldn't surprise me if other monsters have started getting rowdy too. True. That old Everworm may have stirred up some of the more rambunctious customers here in the New World. I agree with the Chief's plan. If we follow that, then we've all got our parts to play. And we'd better play those parts well. Or else by the time we discover the truth behind this old Everworm, it may already be too late. Okay, let's get to it. Old Everworm. Let's get to the bottom of this mystery. We're in charge. तो यार Old Everworm है जो कि ये सब seismic actions वगैरह create कर रहा है। उससे पहले मैं देखता हूँ वेलकाना का क्या क्या आर्मर मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। स्मिथि आर्मर में जाऊँगा और देख सकते हो यार वेलकाना का लेजेंडरी लेवल का आर्मर है। लेजेंडरी यानी कि जो वाइट लेवल का आर्मर है। एक भी चीज़ मैंने अनलॉक अभी तक किया नहीं है। हेलमेट में मुझे मिलता है डिवाइन ब्लेसिंग, मतलब कि जो भी डैमेज मिल रहा है अगर लक अच्छा हो तो वो डैमेज रिड्यूस हो सकता है, तो ये लक बेस्ड है तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। सेकंड में मुझे मिल रहा है क्विक शीथ, ये ग्रेट सोर्ड के लिए बहुत अच्छा स्किल है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये अनलॉक कर सकूँ। नेक्स्ट में मुझे मिल रहा है क्विक शीथ और फ्लिंच फ्री, आगे देखते हैं फ्लिंच फ्री। और लास्ट में मुझे मिल रहा है क्रिटिकल ड्रॉ। और वेलकाना के चार आर्मर लेने से मुझे एक स्किल मिलता है जिसका नाम है फ्रॉस्ट क्राफ्ट। तो यार फ्रॉस्ट क्राफ्ट देखते हैं क्या स्किल है। तो वेलकाना के दो पीस में मिलता है वेलकाना डिविनिटी जो एलिमेंटल डैमेज को इंक्रीज करेगा, सिर्फ आइस नहीं किसी भी एलिमेंटल डैमेज को। और वेलकाना डिविनिटी में है ऑरा ऑफ फ्रॉस्ट बिल्ड व्हेन योर वेपन इज शीथ्ड रेजिंग अटैक। ओके, इसका मतलब यह है कि जब भी मैं अपने वेपन को शीथ करके रखता हूँ तो एक फ्रॉस्ट की ऑरा बनती रहती है मेरे वेपन के ऊपर, जैसे वेलकाना का वेलकाना जब अपने ऊपर आर्मर बनाती थी उसी तरीके से मेरे वेपन के ऊपर कुछ तो भी एक ऑरा बनती रहेगी बर्फ की। और जैसे ही मैं उसको अटैक करने के लिए वेपन निकालूंगा उसका डैमेज जो है वो इंक्रीज रहेगा। तो यार ये जो स्किल है वो ग्रेट स्वॉर्ड और आई गेस हैमर के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजी है वही होता है कि मतलब पीछे रख के भाग के एक हिट करना, पीछे रख के भाग के एक हिट करना। तो मैं सोच रहा हूँ वेलकानास के चार आर्मर पीस में बनाऊँगा और
लेवल वन पे देखता हूँ क्या है। क्विक शीट है, क्रिटिकल ड्रॉ है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें सिर्फ लेवल वन का ही स्लॉट है, तो मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। तो वेल्काना की ये चार आर्मर पीसेस में बना लूँगा। हेलमेट मुझे नहीं लगता मैं बनाऊँगा। हेलमेट के लिए डमास्कस आर्मर, डिफेंस बूस्ट देता है और स्पीड शार्पनिंग डमास्कस ए में मुझे मिलती है। ओके डमास्कस टू, ओके इसमें भी मुझे फोकस मिल रहा है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट मुझे इस पर मिल रहा है और इस पर एक और फोकस मिल रहा है। तो अगर इसमें मुझे हैंडीक्राफ्ट टू मिलता है और इसमें क्विक शीट, फोकस मुझे यहाँ पर कहीं पर भी मिल नहीं रहा है। वेल्काना की किसी भी आर्मर में मुझे फोकस नहीं मिल रहा। ओके तो क्विक शीट या फोकस मुझे इसमें डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट ठीक है यार, पहले वेल्काना का ही मैं क्राफ्ट करूँगा, बाद में डमास्कस देखूँगा। और एक बार वो दोनों हो जाए तो तीनों के मिक्स एंड मैचिंग से देखूँगा कि क्या क्या मैं आर्मर क्राफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन यार वो सब करूँगा मैं अगले एपिसोड पे, क्योंकि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड बेसिकली वेल्काना के ऊपर था, तो बहुत ही मज़ेदार हंट था। मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लगा और गेम के डिज़ाइनर्स ने बहुत ही सोच समझ के ये हंट बनाया, क्योंकि वेल्काना के पास काफ़ी सारे खतरनाक मूव्स थे। और इसीलिए वेल्काना के मेन फाइट से पहले डेवलपर्स ने ये सोचा कि वेल्काना के दो ऐसे ही कैजुअल फाइट दे दे, ताकि प्लेयर जो है वो मूव्स वगैरह समझ सके, ताकि आखिरी फाइट में एक बार मैं मूव समझ जाऊँ तो फाइट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आज का फाइट तुमको कैसा लगा, वेल्काना एज अ मॉन्स्टर तुमको कैसे लगी, उसका मूव सेट वगैरह। और यार इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले एपिसोड पे।